हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टूर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। वेल फ्रेंड्स, ट्वेल्थ विद पीसीएम करने के बाद आपके माइंड में सबसे पहला करियर ऑप्शन क्या आता है? वेल, सबसे पहला ऑप्शन जो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम ट्वेल्थ करने के बाद वो है इंजीनियरिंग। एंड ऑलमोस्ट सभी पीसीएम स्टूडेंट इस करियर ऑप्शन को चूज करते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। और आज के डेट में हर तीसरा इंजीनियर ही है बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आफ्टर ट्वेल्थ कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग के अलावा भी कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं पीसीएम स्टूडेंट के लिए, जिसका स्कोप, सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल पायलट की। नाउ डेज एविएशन सेक्टर में काफी ग्रोथ है एंड कमर्शियल पायलट एक ऐसी जॉब है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है। ये कोर्स गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी कराया जाता है। सो अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो आपके पास तीन टाइप के लाइसेंस होना जरूरी है। फर्स्ट लाइसेंस जो होता है वो है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसको लेने के लिए आपको 12th विद पीसीएम होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ आपके पास एसपीएल के लिए रजिस्टर करना होगा। आफ्टर दैट आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा जिसको क्लियर करने के बाद आपको ये लाइसेंस मिलेगा। सेकेंड है पीपीएल प्राइवेट पायलट लाइसेंस। पीपीएल लाइसेंस लेने के लिए आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपको पीपीएल लाइसेंस मिलता है। एंड लास्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपके पास थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ मेडिकल फिटनेस का भी एग्जाम देना होता है। जब आपके पास ये तीनों लाइसेंस आ जाएंगे तब आप जूनियर लेवल पे जॉब ले पाओगे एंड सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 1 लाख से ज्यादा ही होगी। उसके बाद आते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी आजकल के टाइम में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मर्चेंट नेवी का करियर यात्री जहाज, तेल के जहाज, सामान के जहाज को सिक्योरिटी देना होता है। अलग अलग कंट्रीज में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शिप के बिना पॉसिबल नहीं है। मर्चेंट नेवी में अलग अलग टाइप्स की जॉब अवेलेबल है लाइक डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसकी सैलरी अराउंड 5 लाख to 6 लाख रुपीज होती ही है। इस फील्ड में जॉब करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फ्री में खाना पीना, रहना, फ्री हॉलीडेज और फैमिली के लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। नेक्स्ट है बीएससी। वेल, ये 3 साल का कोर्स है। इसमें स्पेशली आप किसी सब्जेक्ट को लेके स्टडी कर सकते हो एंड मोस्टली स्टूडेंट बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल में टीचर या प्रोफेसर की पोस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है एनडीए। तो एनडीए आप करके अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, मिलिट्री में जाना चाहते हो या फिर नेवी में जाना चाहते हो तो आप एनडीए के थ्रू भी जा सकते हो 12th विद पीसीएम के बाद। आप बीसीए या एमसीए भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर पे ही फोकस रहना चाहते हो तो आप बीसीए और आगे एमसीए कर लो, जिससे आपको कंप्यूटर लाइन में ही अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। एथिकल हैकर अच्छे हैकर होते हैं जो हैकिंग का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं। और एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम या नेटवर्क की वीकनेस को ढूंढ कर उसको ठीक करवाना। तो आप इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हो। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेल, आज के टाइम में इंडिया में काफी आईटी कंपनीज हैं और डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जो अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को। काफी कंपनीज लाइक एमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एसेट्रा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करती है। तो ये एक ऐसा करियर है जिसमें आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th विद पीसीएम अदर देन इंजीनियरिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।